नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इग्नोर स्टूडेंट्स हेल्प में। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका BHIC 132 का यूनिट नंबर 4। और इसमें हम देखेंगे किंगडम्स इन द साउथ एंड डेक्कन एंड साउथ। और इससे पहले हम सारा कवर कर चुके हैं हर्षवर्धन वगैरह का पीरियड पूरे डिटेल में। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाकर के सर्च करके हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। BHIC 132 देख के वहाँ से आप सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियोस हैं, हो सकता है सुनने में थोड़ा सा बोरिंग लगे, बट अगर आप एक से दो बार इसको सुन लो तो आपको वो याद हो जाएगी चीज़ें, आपको मतलब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा से लिख के आओगे जो भी आंसर आए। और आप जितनी बार हो सकता है पॉसिबल आप उसको सुनिए, आपको बेटर तरीके से याद रहेगा। अभी तो आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही हैं तो आपके पास बहुत टाइम है, और रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप कितनी बार भी सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको टेक्नोलॉजी का जो ये फ़ायदा है, आप इसका फ़ायदा उठाएँ और अपने बेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएँ, मैं यही कह सकता हूँ आपको। तो आइए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जैसा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं किंगडम इन द डेक्कन एंड द साउथ, तो सबसे पहले दिमाग में आता है ये डेक्कन रीजन है कौन सा, है ना। तो वैसे तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा है पर फिर भी हम एक बार फिर से और इसको रिवाइज कर लेते हैं एक तरीके से। तो पहले साउथ को हम हिंदी में, तो साउथ को हम दक्षिण बोलते हैं, दक्षिण भी बोलते हैं, तो दक्षिण धीरे धीरे बन गया दक्कन और दक्कन बन गया डेक्कन इंग्लिश का, ठीक है फ्रेंड्स। तो डेक्कन में कौन कौन से एरिया आते हैं, डेक्कन में आते हैं आपका महाराष्ट्र का, नॉर्थ कर्नाटका का एरिया आता है मेनली, ठीक है। तो इस एरिया में पहले सातवाहना राज कर रहे थे डेक्कन के एरिया में, लेकिन जब सातवाहना का पतन हो जाता है 3rd सेंचुरी BC में, थर्ड सेंचुरी कॉमन एरा में, तो उसके बाद कई सारे स्मॉल किंगडम्स निकल के आते हैं सामने। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से किंगडम्स सामने निकल के आती है। तो सबसे पहले विदर्भ से ही शुरू करते हैं, महाराष्ट्र का रीजन है। और इस एरिया में 6th सेंचुरी में नॉर्मली वकाटकास थे और इन्होंने अपनी शुरुआत 3rd सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर से शुरुआत की थी एज अ स्मॉल किंग, और धीरे धीरे बड़े होते हैं। इनकी दो ब्रांच थी मेनली, एक ईस्टर्न ब्रांच थी और एक वेस्टर्न ब्रांच थी जो महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया के तरफ में है वो वाली। तो जो ईस्टर्न एरिया में थी वो विदर्भ रीजन के एरिया की मेन ब्रांच थी, और जो कोस्टल रीजन वाली ब्रांच थी वो होती बेसिन ब्रांच कहते थे उसको, साउथ महाराष्ट्र में काम करती थी वो। अब इस लाइन जो मेन लाइन था ईस्टर्न लाइन, उसका मेन जो फेमस किंग हुआ है वो था प्रवरसेन फर्स्ट, जो कि वकाटकास का इकलौता राजा था जिसने सम्राट की उपाधि ली थी, और इसने बहुत सारे वैदिक सेक्रीफाइसेस किए थे, बहुत ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स देता था, है ना, लैंड ग्रांट्स मतलब डोनेट करता था लैंड वगैरह ब्राह्मण्स को। वकाटकास के अच्छे संबंध थे, मैट्रिमोनल डिप्लोमेटिक दोनों संबंध थे उनके नेबर्स के साथ। नेबर जैसे कि नॉर्थ में तो गुप्ताज राज करते थे इनके समय में, 3rd सेंचुरी BC कॉमन एरा की बात करें तो, और ईस्ट में जो था इनके विष्णु कुंडिस थे और साउथ में कदम्स थे, ठीक है। तो ये धीरे, ये जो आपका मैप टाइप में बन रहा है ना फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि कौन कहाँ पे था इस डायनेस्टी के। देखिए, वकाटकास का नॉर्थ में गुप्तास, ईस्ट में विष्णु कुंडिस, साउथ में कदम्स। तो ये धीरे आप अगर दो चार बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में ये छप जाएगा चीज़ें, और फिर आप आंसर लिखते समय बड़ा अच्छे से आंसर लिखेंगे। तो लेकिन इनका भी पतन होता है, वकाटकास का भी, कब होता है, फर्स्ट हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी में, और किसके द्वारा किया जाता है, कालाचुरीज और कदम्स के द्वारा ही, इन दोनों ने ही इनको कर दिया। लेकिन जो मेन इनको हटाया एकदम जड़ से हटाने वाला और डेक्कन का मेजर पावर बनता है बाद में चल के 6th सेंचुरी के मिड आते आते, फर्स्ट हाफ सेंचुरी में तो मतलब 525 कॉमन हेरा तक तो कदम और कालीचोरीज ने इनको हटा दिया, लेकिन 550 आते आते जो डेक्कन के मेन
पावर बन चुकी थी, वो थी चालुक्याज ऑफ बदामी। ठीक है, इन्होंने सबको हटा दिया था, सबसे पावरफुल ये थे। अब कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में फ्रेंड्स पहले यहाँ एक छोटा किंगडम राज करता था, उसका नाम था चुटूज, और वो लगभग 4th सेंचुरी कॉमन एरा तक राज करते रहे। उसके बाद इनको कदम्स ने हटा दिया। कदम किंगडम किसने फॉर्म की थी? कदम किंगडम का फाउंडर का नाम था मयूर सरमन, जो कि एक ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ वगैरह करके क्षत्रिय बन गए और उन्होंने अपना नाम मयूर वर्मन रख दिया। तो ये मयूर सरमन जो थे बहुत एक्सपर्ट थे गोरिल्ला वारफेयर में, और इन्होंने एक तरीके से पल्लव जो साउथ में कांची में पावरफुल किंगडम थे उस जमाने में, उन तक को मजबूर कर दिया था कि हाँ तुम हमें एज अ सॉवरन डिक्लेयर करो, मतलब रिकॉग्नाइज करो। तो कदम किंगडम भी दो पार्ट में बटी हुई थी, एक थी जो वैजंती ब्रांच थी और दूसरी थी पलासिका ब्रांच थी। बट इन दोनों ब्रांचों के बीच में कभी भी पीस नहीं रहा, हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। और फिर फाइनली हुआ क्या कि इनको भी चालुक्याज और बादामी जो थे उन्होंने हटा दिया, इनके टेरिटरी पे भी कब्जा कर लिया बाय 575 BC। तब देखो चालुक्यास काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, खास करके बादामी के जो चालुक्यास थे उनके बारे में आगे पढ़ेंगे अभी हम। फिर ईस्टर्न डेक्कन की बात करें हम, तो इस डेक्कन में क्या था कि जब सातवाना हट गया तो जो ये डेक्कन का एरिया, उसमें भी खासकर कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा था वो बहुत डिस्टर्ब रीजन रहा हमेशा से, क्योंकि वहाँ बहुत छोटे मोटे स्मॉल राजा थे। ठीक है, सातवाहनों को के बाद इस एरिया में कौन आया ताकत में? इश्वाकूज आए 225 कॉमन एरा के आसपास में। फिर प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्र की है वहाँ से हमें पता चलता है कि 350 कॉमन एरा आते आते यहाँ पे लगभग लगभग आधा दर्जन छोटे मोटे किंगडम थे जो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। इनमें से एक किंगडम थी आपकी किंगडम ऑफ वेंगी एंड कुराला। स्टेबिलिटी इस एरिया में आंध्रा डेल्टा में कब आई? बाय मिड 5th सेंचुरी, जब विष्णुकुंडिस पावर में आते हैं। और विष्णुकुंडिस का हमने देखा बहुत अच्छा रिलेशन था वाकाटकस के साथ, लेकिन उनका भी कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलता रहा वेस्टर्न गंगास के साथ। वेस्टर्न गंगा कहाँ राज करते थे? साउथ कर्नाटका में। अब फ्रेंड्स आपको ना ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो आप एक काम करना, एक मैप बनाना और मैप में लिख लेना कौन कहाँ पे था उस ज़माने में, तो आपको और भी अच्छे से याद होगा। देखिए हम भी कई बार इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, इस चलते हमारे दिमाग में ये चीज़ें छप चुकी हैं, तो ऐसे ही आप भी कई बार सुनोगे पढ़ोगे तभी हिस्ट्री याद कर सकते हो। आप ये नहीं मान के चलो कि आपने हिस्ट्री एक बार सुनी तो आपको याद हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता हिस्ट्री में। कोई भी बड़ा से बड़ा भी नहीं आपको बोलेगा कि हाँ मैंने एक ही बार पढ़ा मेरे को याद होगी, आपको हिस्ट्री को 3 से 4 बार पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है, तो आपको याद होती है। पहले हमारे ज़माने में तो फ्रेंड्स इंटरनेट वगैरह था नहीं, तो हम तो टीचर का लेक्चर तो दोबारा सुन नहीं सकते थे, और बस बुक्स का ही सहारा होता था। बुक्स को हम 2-3 बार पढ़ते थे, 4 बार 5 बार अलग अलग बुक्स से भी पढ़ते थे, फाइनली जा करके हमें वो चीज़ें याद हुई। तो आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है कि इंटरनेट है, आप रिकॉर्डेड वीडियो को कई बार सुन सकते हैं। खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस लाइन के जो मेन दो फेमस राजा हुए उनका नाम था माधवर्मन 1 एंड माधवर्मन 2। ठीक है, दोनों का टाइम फ्रेम भी यहाँ मेंशन है। माधवर्मन 1 440 से 460 कॉमन एरा में थे और माधवर्मन 2 550 से 616 कॉमन एरा में, मतलब 100 साल के बाद हुए ऑलमोस्ट। विष्णुकुंडिस का रूल काफ़ी लंबा चला और वो 7th सेंचुरी कॉमन एरा तक राज किए यहाँ पे, है ना, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द कॉमन सेंचुरी। और फिर इसके बाद चालुक्याज ने इनको भी कब्जा कर लिया। चालुक्याज आप देखो एक तरीके से सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, जो कि कहाँ के थे? वो थे आपके बादामी के, नॉर्थ कर्नाटका के। ठीक है, अब साउथ कर्नाटका का अगर हम देखें साउथ कर्नाटका की बात करें अगर हम, तो साउथ कर्नाटका में फ्रेंड्स वेस्टर्न गंगास थे राज करते थे। इन एक्चुअली थे तो गंगास, लेकिन इसको इनको वेस्टर्न गंगा भी बोला जाता है क्योंकि
एट द सेम टाइम उड़ीसा में भी गंगा डायनेस्टी करके थी, तो उनको हम ईस्टर्न गंगा कहते हैं, इनको वेस्टर्न गंगा कहते हैं। इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, ठीक है, बस फॉर रेफरेंस है वेस्टर्न गंगा एंड ईस्टर्न गंगा। तो वेस्टर्न गंगा का रूल साउथ कर्नाटका में लगभग लगभग 600 साल चला, और जो जिस एरिया में ये राज करते थे उसको गंगावाड़ी कहते थे हम, गंगावाड़ी से नाम से जाना जाता था। और ये एरिया पूरा माउंटेन्स से सराउंडेड था, तो इस चलते एग्रीकल्चरली इतना प्रॉस्पेरस नहीं था। हाँ, लेकिन इनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था पल्लव्स का और चालुक्यास की लड़ाई में। ये नॉर्मली चालुक्यास के एलाई बन के रहते थे, क्योंकि इनका भी पल्लव्स के साथ कोई रिलेशन अच्छा नहीं था, क्योंकि ये ना पल्लव और चालुक्यास और बदामी के बीच में थे, तो एक तरीके से इनकी हमेशा टकराव रहता था। तो इनका चालुक्यास के साथ तो अच्छा रिलेशन था, लेकिन पल्लव्स के साथ थोड़ा सा कॉर्डियल नहीं था रिलेशन। बॉर्डर वॉर्डर का इशू होगा और क्या होगा, ठीक है। तो ये पूरा था आपका एक इंट्रोडक्शन पूरा कि क्या चल रहा था डेक्कन एरिया में। अब साउथ इंडिया की बात अगर हम करें तो फ्रेंड्स, साउथ में आप जानते हो कि 4th सेंचुरी से लेकर के 6th सेंचुरी तक के बीच की जो हिस्ट्री है वो कुछ क्लियर नहीं है, और यही वो पीरियड था जब अर्ली पल्लव्स, पल्लव्स मतलब डेवलप होना शुरू हुए थे। जब संगम पीरियड का एंड हुआ 3rd सेंचुरी कॉमन एरा के लास्ट में, वहाँ से लेकर के 6th सेंचुरी के मिड तक तमिलनाडु और केरला का जो एरिया था वो मेनली डोमिनेटेड था किनके द्वारा, कालभ्रास के द्वारा। कालभ्रास बोलते हो या कालभर बोलते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं, मैं फिलहाल कालभ्रास के नाम से बोल रहा हूँ। अब इनके बारे में भी कुछ ज़्यादा रिटन सोर्सेज या इंस्क्रिप्शन वगैरह वाइन वाइन नहीं है, क्योंकि ये लोग एक तरीके से हिली ट्राइब थे, और माना जाता है कि ये लोग ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशंस जो थे, जो ब्राह्म उनको नहीं मानते थे, और इन्होंने चेरा चोला पांड्या को ख़त्म किया। और क्योंकि ये नॉन एग्रीकल्चर हिली ट्राइब थे, तो ये जब प्लेन्स में आए तो इन्होंने मतलब एग्रीकल्चर पॉपुलेशन पर बहुत लूटपाट की, तो इनका बड़ा आतंक रहा, ठीक है, किनका, कालभ्रस का। और चालुक्यास ही क्लेम करते हैं कि हमने इनको हराया। तो ये पूरी सिचुएशन चल रही थी साउथ इंडिया में। तो फ्रेंड्स, होप आपको यहाँ तक क्लियर हो। हम अगले चैप्टर में देखेंगे चालुक्यास एंड फर्दर चीज़ें, क्योंकि अगर मैं अभी फ़िलहाल यहीं पर रोक रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिर आपको भी कम्फर्टेबल नहीं रहेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप एक दो बार इस चीज़ को सुने, और उसके बाद अगर गो थ्रू एक बार कर लेंगे तो और भी बेटर है, अपने लैंग्वेज में नोट्स भी बना सकते हैं तो सबसे बेस्ट होगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई अगर सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, लिख सकते हो, या कोई दिक्कत हो तो वो भी बता सकते हो हमें कमेंट में, हम उस पर काम जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।